कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि नए वेरिएंट के लक्षण अभी तक प्रदेश में देखने को नहीं मिले हैं। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर रही है। बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के बाहरी व्यक्ति को देश में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रेजिडेंट्स डॉक्टरों की हड़ताल पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जनवरी में मामले की सुनवाई होगी। अभी देखो, अपने देश में अभी कोई नया वेरिएंट का कोई पेशेंट नहीं है और पूरी सावधानी भारत सरकार भी और हमारी सरकार भी पूरी सावधानी बरत रही है। बिना आरटीपीसीआर के बाहर से लोग कोई आए नहीं और निश्चित रूप से पूरे देश को अलर्ट किया गया, केंद्र सरकार ने भी, हमने भी, राज्य को, और इसके लिए निश्चित रूप से सावचेती से काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से सतर्कता बरती जा रही है कि सबका जो भी आए अपनी 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री दे और उसके बाद ही उसको प्रवेश दे। आरटीपीसीआर जांच होने के बाद ही, सरकार का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगा तभी भारत सरकार करेगी, हमारे लेवल का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें जनवरी में कोई तारीख है, न्यायालय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने व्यवस्था के तौर पर 1000 से भी अधिक नए यूटीबी में डॉक्टर लगाने की स्वीकृतियाँ जारी कर दी है। बहुत जल्दी इसका जो परेशानी आ रही पेशेंट को, उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। बहुत जल्दी हम 1000 डॉक्टर भर्ती करके इस परेशानी। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में अंतिम शासक महाराजा कर्नल सवाई बृजेंद्र सिंह की 103वीं जयंती पर